हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, पीएम मीट्स इजराइल प्रेसिडेंट, कॉल्स फॉर ड्यूरेबल रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीन इशू। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी विद इजराइल प्रेसिडेंट आइजैक हेरजोग, और ये आपके हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या है, इन हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट विद द इजराइल लीडरशिप सिंस अक्टूबर 7 टेरर अटैक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस कंडोलेंस ओवर द लाइव्स लॉस्ट ड्यूरिंग अ बायलेटरल मीटिंग विद द इजरायली प्रेसिडेंट आइसेक हर्जोग ऑन साइडलाइन ऑफ द COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई। तो ये दुबई में मिले हैं। द मीटिंग केम आर आफ्टर द इजरायल बिगेन मिलिट्री ऑपरेशन इन द सदर्न गाजा, व्हाइल मिस्टर मोदी कॉल्ड फॉर इंश्योरिंग रेगुलर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, ही डिड नॉट कॉल फॉर अ सीज फायर। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस, हु ऑल्सो मेट मिस्टर मोदी इन दुबई, मेड अ स्ट्रॉन्ग अपील टू एंड हॉस्टिलिटीज, कॉलिंग द सिचुएशन इन गाजा एन एपिक ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफ। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंसेस ऑन द लॉस ऑफ लाइव्स इन द अक्टूबर 7 टेरर अटैक एंड वेलकम द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड इन द प्रेस रिलीज डिटेलिंग द डिस्कशन विद मिस्टर हर्जोग। मिस्टर मोदी reiterated the need for continued and safe delivery of humanitarian aid for the affected population, emphasized on India's support for a two-state solution and early and durable resolution for Israel-Palestine issue through dialogue and diplomacy, it added. Mr. Modi also held informal talk with the leader from Jordan, Bahrain and Qatar and other regional leaders present during the day. The MEA, Ministry of External Affairs, added that the Mr. Modi exchanged view on Israel-Hamas conflict during a bilateral meeting with the United Arab Emirates President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Israeli President said he has made Israel's case for self-defense. This morning at the climate summit, I met dozens of leaders from around the world, Mr. Herzog wrote, adding that he spoke about how Hamas violated the ceasefire, which Israel claimed was reason it resumed military operation in Gaza. I repeated again and again the demand to place a release of hostages at the very top of the international community's agenda, alongside respect for right of the state of Israel to demand itself, he added. ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा, इस पे हमें पता चलेगा इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडियाज स्टैंड। ये जब टॉप लीडर मिल रहे हैं तो जो इनका स्टैंड होगा ना, वही आपका इंडिया का स्टैंड होगा। ऐसा नहीं हो सकता इंडिया का स्टैंड कुछ और हो, इनका कुछ और हो। तो ये लोग पहली बात तो COP28 के मीटिंग में मिले, दूसरी बात इन्होंने बताया कि सीज फायर जो है, रेगुलर ह्यूमैनिटेरियन जो सप्लाईज है पैलेस्टीन को, वो तो हम लोग देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई आपके ऊपर जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक इसराइल के ऊपर, वो उसके लिए जितने लाइफ आपके खोए वो हमें दुख है उस बात का, कंडोलेंस दिखाया। तो पहली चीज, ये जो आपका गाजा से अटैक हुआ था, जो हमास का अटैक हुआ था, इंडिया पहली बात तो उसको इक्वेट कर देता है टेरर अटैक से, ठीक है, इंडिया उसको मानता है वो टेरर अटैक है। दूसरी बात, इंडिया यहाँ पे बोलता है हम अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड तो देंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड टू पैलेस्टीन, ठीक है, ये तो हम देंगे, प्लस टू स्टेट सोल्यूशन, यहाँ पे इंडिया बोल दिया टू स्टेट सोल्यूशन अर्ली एंड ड्यूरेबल रेजोल्यूशन। तो इंडिया का यही है, टेरर अटैक मान रहा है गाजा वालों को, किसको, गाजा को, तो मतलब ये इसराइल के फेवर में है, और ह्यूमैनिटेरियन एड दे के साफ बता रहा है कि भाई हम तुम्हारे फेवर में भी है। तो इंडिया की ये इसी को बोला जाता है डिप्लोमेसी। तो ये है इंडिया का स्टैंड, ना आपने हाँ बोला ना आपने ना बोला, पर आप अपने मन का कर रहे हो, तो यही है। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।